हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज कुमार पवार, आपके यूट्यूब का एक एजुकेटर। कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी की तरफ, राजगढ़ की तरफ से आपको क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एसिड एंड बेस के बारे में कुछ एक छोटी मोटी बातें जानी हैं। आज हम इंडिकेटर एंड साल्ट को अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यहीं से आपके कंसेप्ट बिल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहां से आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से कैच करना स्टार्ट कर दोगे, तो आगे फर्दर चला के बड़ी क्लासों में आप उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, मैं एक बार पिछली क्लास का आपको रिवाइंड करवा देता हूं। मैंने एसिड किया था, एसिड की बेसिक चार प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि ये श्योर होता है, खट्टा होता है, इसका जो पीएच लेवल होता है वो 7 से नीचे होता है, ये आपको ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, एच पॉजिटिव आयन आपको देता है वाटर में डिसोल्व करने के बाद में, और ये मैटर को क्या कर देता है बेटा, कोरोइड कर देता है। कोरोइड बोले तो जंग लगा देता है। क्या कर देता है बेटा, जंग लगना। ठीक है, ये हमारे कुछ एक एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरह आपको बेस की प्रॉपर्टी भी याद रखनी पड़ेगी। बेस की प्रॉपर्टीज में आपका क्या था, इसकी कंपैरिजन में आप याद रखिए कि ये श्योर होता है, ये आपका क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, इसका जो पीएच लेवल होता है वो अबोव देन 7 होता है, ये आपका लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड से ब्लू कर देता है। क्या कर देता है बेटा, रेड से ब्लू कर देता है। ठीक है, वाटर में डिसोल्व करने के बाद में ये आपका क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये आपका कौन सा आयन होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन, और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन बेटा। ठीक है, इसके बाद में इसका जो टच होता है, सोपी टच होता है, बहुत ही मुलायम मुलायम, जैसे आपने साबुन होते हैं सोपी टच, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपके बेस होते हैं। हमने आपको बताया था कि बेस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच का इस्तेमाल किया जाता है, एक पैरामीटर होता है। इसके अलावा हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं डस्टर कहां भूल गया, डस्टर मेरा पैड है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में एसिड और बेस में यहां पे कोई बात याद कीजिए कि एसिड को हम उसके नेचर के हिसाब से दो भागों में बांट भी सकते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड, या डाइल्यूट आप डाइल्यूट लिख सकते हो डायरेक्ट, और कॉन्सेंट्रेटेड CON ऐसे लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट हमारा क्या होता है, कम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, और डाइल्यूट जिसमें हमारे वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एसिड कंटेंट। ये नेचर के हिसाब से हमारे एसिड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एक और कंपैरिजन होती है एसिड की, वो भी आप याद रख लीजिएगा, कल मैं शायद बताना भूल गया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे जो पानी में बड़े जल्दी से डिजोल्व होकर हमें एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन देते हैं। ठीक है, जैसे HCl, H2SO4 एंड HNO3, ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरीज में आते हैं। वीक एसिड में हमारे पास में क्या आता है बेटा, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जिनमें कार्बन कंटेंट होता है बेटा, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखिए, सिट्रिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड,
मैलिक एसिड एक्सेट्रा लगा दीजिए, हाँ, इसमें टार्ट्रिक एसिड भी ऐड कर लेना या एसिटिक एसिड। एक और एग्जांपल याद रखिए, बार बार में आता है एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ऑक्सैलिक 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 एसिड हमारा किसमें पाया जाता है, टमाटो में। मैलिक एसिड एप्पल में, और एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में पाया जाता है। बेटा विनेगर एक फूड प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। ये हमारे एसिड की कुछ एक और कैटेगराइजेशन थी जो कल मैं शायद नहीं करवा पाया था, आज इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। बेस के बारे में भी हम इसी तरह से हम कुछ बेस को भी हम जान कर ले लेते हैं हल्की सी। बेस भी हमारे दो टाइप में आ जाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो पानी में बड़े जल्दी से डिजोल्व होकर OH आयन देंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस में आप याद रख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, आज हम बात करेंगे एसिड और बेस का पता लगाने के लिए इंडिकेटर जो होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था लिटमस पेपर का, तो लिटमस पेपर एक तरह का क्या होता है बेटा, इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ओके। इंडिकेटर की डेफिनेशन आप लिखोगे, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आने के ऊपर आने के बाद अपना कलर चेंज करते हैं या अपनी स्मेल चेंज करते हैं, क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में लिया था लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर भी एक तरह का क्या होता है बेटा, इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर को हम बेसिकली तीन भागों में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला इंडिकेटर आप याद रखोगे नेचुरल, नेचुरल वो जो हमें एनिमल या फिर प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं, सीधा लिख देता हूं ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट बाय, सॉरी, एनिमल और प्लांट, ओके। जैसे एग्जांपल के रूप में आप याद रख लीजिए लिटमस, लिटमस एक तरह का सॉल्यूशन होता है बेटा जो एक तरह के प्लांट से बनता है, बाद में उसको पेपर पे अप्लाई करके यूज किया जाता है, ठीक है। और आप घरों में यूज करने वाली टर्मरिक, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि लिटमस हमारा एसिड में कैसा बिहेव करता है बेटा। एसिड को ये ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, रेड में। और बेस में, बेस में हमारा लिटमस पेपर कैसे काम करता है, रेड पेपर हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ब्लू में। ये हमारा लिटमस के, ये कलर चेंज आपको याद रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इंडिकेटर से अगर कभी सवाल उठता है कंपिटिटिव एग्जाम में या फिर बेसिक जो टेंथ के आपके एग्जाम होंगे उनमें, तो एक या दो नंबर में यही पूछा जाता है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में किस तरह का कलर दिखाएगा, बेस में किस तरह का कलर दिखाएगा। इससे टर्मरिक के ऊपर आप याद रखो, टर्मरिक जो हमारे घरों में यूज होती है हल्दी, उसके ऊपर है ये हमारे एसिड में
क्या होती है बेटा, येलो होती है तो येलो ही रहती है, यानी कोई चेंज नहीं दिखाती। लेकिन जब ये बेस में आएगी तो आपको देखने को पता चलेगा कि हमारी जो हम फूड बनाते हैं उसमें सब्जी जो बनाते हैं वो पकने के बाद में उसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है बेटा, या फिर हम आम भाषा में बोल सकते हैं मेहरून कलर हो जाता है। तो ये हमारे टर्मरिक का काम होता है, एसिड में येलो ही रहता है, नो कलर चेंज, और बेस में हमारा इसका क्या कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये हमारे पहले टाइप का इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से कॉन्टेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज करते हैं या फिर अपनी स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। दूसरा तो हमारा इंडिकेटर आएगा बेटा, नेचुरल के बाद में हम किसकी तरफ चलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर की तरफ चलेंगे। दूसरा इंडिकेटर हमारा कौन सा होता है बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, सिंपल इतना भाषा में याद रखो, क्या होते हैं बेटा, मैनमेड होते हैं। ओके, जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। इसका एग्जांपल आप पहला याद रखोगे, मिथाइल ऑरेंज या मिथाइलिन ऑरेंज भी कई बार लिखा मिलता है, मिथाइल ऑरेंज फिनोथ्रीन, दो याद रख लो, फिनोथ्रीन। ओके, अब मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा बिहेव करता है और बेस में कैसा बिहेव करता है, ये भी आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत होती है। एसिड में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस ही होता है, ये रेड कलर का हो जाता है, और इन केस ऑफ बेस रेड, इन केस ऑफ बेस इट कन्वर्टेड इनटू द येलो कलर। बेस में किस तरह का कलर दिखाता है बेटा, येलो कलर। फिनोप्थेलिन जो हमारा होता है वो हमारा एसिड में कलरलेस ही रहता है, मतलब पानी जैसा कलर मिलेगा आपको, बिल्कुल कलरलेस। और वाटर में जो सॉरी बेस में ये हमारा डार्क पिंकिश कलर दिखाता है, कौन सा कलर दिखाता है बेटा, डार्क पिंकिश कलर आपको दिखाई देता है। ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे आते हैं वो हमारे होते हैं बेटा क्या, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। मैं इसको रख कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, नाक को बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में अपनी स्मेल में, उनकी स्मेल में चेंज आता है, उनकी स्मेल से हम पता लगा सकते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर हमारे कौन से हो जाएंगे, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल आता है, दे आर डिटेक्टेड थ्रू द ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, दैट इज नोच। वेनिला लिख देता हूं मैं, वेनिला की आइसक्रीम हमारे आती है बहुत सारी, हम खाई होंगे बहुत, अभी भी खाते होंगे, पसंद आती है, गर्मियों के टाइम तो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो वेनिला हमारी क्या होती है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आती है। वेनिला का जो एसिड में एसेंस आएगा, एसेंस लिख देता हूं आगे, एसिड में इसका एसेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज हो जाती है बेटा। ठीक है, जबकि बेस में इसकी एसेंस जो होती है, इसकी स्मेल है, वो कोई भी फर्क नहीं आता है, बिल्कुल नो चेंज, हल्की फुल्की जो उसकी नेचुरल जो स्मेल होती है वही रहती है। बेस के कॉन्टेक्ट में आने में उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि एसिड के कॉन्टेक्ट में आने पर वेनिला एसेंस की जो स्मेल हो जाती है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। इसमें सिंपल आपको एग्जांपल ही याद रखना है, क्लोव तेल के ऊपर एसिड बेस में आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है,
आपको कोई भी चेंज याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हो क्योंकि ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि मेंशन टू ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो आप सिंपल याद रख सकते हो वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। क्लोव किसको बोलते हैं बेटा? लौंग को बोलते हैं, हमारे घरों में यूज करते हैं। ओके, ये हमारे कुछ एक इंडिकेटर्स हो गए। अब हम बात करेंगे साल्ट के ऊपर बेटा, क्योंकि हमने एसिड के ऊपर बात कर ली है, हम बेस के ऊपर बात कर चुके हैं और इंडिकेटर के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हमें जो जानकारी लेनी है वो साल्ट के ऊपर है, जो कि काफी डिटेल में मैं आपको कराऊंगा। ओके, देख थोड़ा सा पानी पीने के बाद। ओके बेटा, एक कई बार आपकी डेफिनेशंस में या कई बार आपके डेफिनेशन में एक वर्ड का बार बार आता रहता है, एल्कलीज। एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो क्या होते हैं बेटा? ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके, ये किसी बच्चे ने मेरे से आज पूछा था, इसलिए मैंने ये बता दिया कि एल्कली वर्ड का मतलब क्या होता है। ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बेस क्या कहलाएंगे? आपके एल्कलीज कहलाते हैं। इसके बाद में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने कल की क्लास में किया था, आज फिर से बता देता हूं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्रिस्टल बनते हैं बेटा। साल्ट के क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं और वाटर बनता है। लेकिन कुछ एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे साल्ट के साथ में जुड़ जाते हैं। उन जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल को जो साल्ट के साथ अटैचमेंट में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर साल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसको बोला जा सकता है। क्रिस्टल, क्रिस्टल वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका एक रेगुलर पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, जैसे FeSO4.7H2। देखिए FeSO4 क्या है? आपका सिंपल साल्ट है। लेकिन यहां पर इसके साथ में जो सात वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐड हो गए तो ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आ जाता है। इसको बोला जाता है बेटा ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लैटिन भाषा में साल्ट होता है। ठीक है, इसी तरह CuSO4.5H2 ये हमारा कैसा होता है बेटा? ब्लू विट्रियोल। ओके, कैल्शियम सल्फेट .5H2 ये हमारा क्या होता है बेटा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर इनको हम इस साल को अगर गर्म करेंगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल आपके रिलीज हो जाएंगे और FeSO4+7H2O हमारे पास में निकलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और ये ड्राई व्हाइट साल्ट के रूप में आ जाता है। देखिए, जब इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल ऐड है तो ये ग्रीन कलर का होगा, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये किस कलर में आ जाएगा? व्हाइट कलर में। इसी तरह CuSO4 के केस में भी होता है, कॉपर सल्फेट के केस में भी होता है। जब इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल ऐड है 5 तो ये ब्लू कलर में होता है, लेकिन जब ये गर्म करेंगे तो इसके भी 5 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, जो कि किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। अब हम बात करेंगे साल्ट के ऊपर बेटा। ये मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में बताता हूं ताकि आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाओ, क्योंकि अगर एक भी वर्ड का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आपको रट्टा लगाना पड़ता है, और रट्टा जब लगाना स्टार्ट कर देते हो तो केमिस्ट्री की समझ आपकी कम हो जाती है। ओके, केमिस्ट्री एक पूरी तरह से आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, इसमें जितने भी चीजों को आप जानकारी ले पाओ वो उतना ही अच्छा रहता है आगे के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल तो 9th-10th पे भी होते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं साल्ट के ऊपर। देखिए बेटा, साल्ट
हमें पता है कि साल्ट क्या होते हैं, जब भी एसिड और कोई भी बेस रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये जो साल्ट होता है, एक्चुअल में इस साल्ट में क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, जिसमें हमारा एक क्या होता है कैटायन होता है और एक हमारा क्या होता है एनायन होता है, और ये आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कौन से फोर्स के थ्रू बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कैटायन और एनायन आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो कैटायन आपका होगा ये अदर देन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई आयन हमारे पास में होना चाहिए, उसी तरह आयन एनायन में हमारे पास में क्या होगा, अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड एनायन के अलावा अगर हमारे पास में कोई एनायन है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, साल्टिक फॉर्म हो गई। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, जैसे NaCl, हमें पता है NaCl साल्ट है, लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन है, नहीं, क्या इसमें जो एनायन है वो हाइड्रोक्साइड है एनायन है, नहीं, तो ये अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन के अलावा जो कैटायन और एनायन हमारे जुड़ते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आप याद रख लीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बोल दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में देखिए Na प्लस है, H प्लस है और CO3 टू नेगेटिव है, इसमें H प्लस है लेकिन H प्लस के अलावा एक और आयन प्रेजेंट है सोडियम, जो कि कैटायन की फॉर्म में है, वो कार्बोनेट के साथ में अटैचमेंट में आता है, इसी कारण ये एक हमारा क्या होता है, साल्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, उसी तरह एग्जांपल आप किसका ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट में भी क्या होते हैं हमारे, दो हमारे क्या होते हैं, सोडियम आयन होते हैं और कार्बोनेट एनायन होता है CO3। ओके, तो जब हमारे कैटायन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड एनायन अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन आपस में जुड़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो इस तरह के हमारे कैटायन और एनायन को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं बेटा। ये साल्ट की एकदम एक्चुअल और सही डेफिनेशन होती है आपकी। ठीक है, जैसे मैं आपको आज एक एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए साल्ट है एसिड है या बेस है, तो आपको कैटायन पता लग गया, कैटायन इसमें क्या है, सोडियम आयन है, लेकिन इसमें जो एनायन है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो तो हमारा क्या होता है, बेस होता है, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो बेसिक होगा, न कि साल्ट, न कि साल्ट। कुछ टीचर्स क्या बता देते हैं कि साल्ट में क्या होता है, कैटायन और एक एनायन होता है, अरे भाई बेस में भी एक कैटायन और एक एनायन होता है, एसिड में भी एक कैटायन और एक एनायन होता है, लगभग जितने भी केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल हो गए उसमें आपको कैटायन और एनायन मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे चीजें होंगी वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी, साल्ट और बेस एसिड का डिफरेंस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। साल्ट में हमारे पास में हाइड्रोक्साइड के अलावा भी कोई एनायन होगा और हाइड्रोजन आयन के अलावा भी हमारे पास में क्या होगा, कोई भी कैटायन प्रेजेंट होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, साल्ट होंगे। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन अब मैं छोड़ रहा हूं, बताइए कि लेड हाइड्रोक्साइड ये हमारा साल्ट है या नहीं है,
ओके, कल मैं इसका आंसर दूंगा जब हम आगे का टॉपिक अपना करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट के ऊपर। कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्योरली टाइप्स ऑफ साल्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आप साल्ट को और अच्छे से जानोगे, आप साल्ट को जितना अच्छे तरीके से जान पाओ उतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, उतनी अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। इससे आपका न सिर्फ केमिस्ट्री मजबूत होगी बल्कि आपकी आम जिंदगी में भी आप कंपाउंडों को पहचानना स्टार्ट कर दोगे कि वो साल्ट नेचर की है, बेस नेचर की है या फिर एसिडिक नेचर की है। थैंक यू, आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। ओके बाय, ये आप जरूर ट्राई करके देखना कि ये एसिड है या बेस है। ओके थैंक यू वेरी मच।